रहीम के नैन नीचे रहने का रहस्य सुनिए। अब्दुल रहीम खान खाना, जो बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न भी थे, वो बहुत दानी व्यक्ति थे और जो भी उनके पास धन दौलत जमा होती थी वो उसको खुले हाथों से जरूरतमंदों को दान कर देते थे। लेकिन दान करते समय हमेशा उनकी आंखें नीचे जमीन की तरफ झुकी रहती थी। उनके एक मित्र थे कवि गंग, उन्होंने इस बात पर गौर किया कि जब भी रहीम दान करते हैं उनकी आंखें झुकी क्यों रहती हैं। तो उन्होंने अपने मित्र को एक दोहा लिख करके भिजवाया और वो दोहा था, ऐसी देनी देनजू कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। उनने कहा, भाई ये आपने कहां से सीखा है? जो जो आपका दान देने के लिए हाथ खुलता जाता है, बढ़ता जाता है, त्यों त्यों आपकी आंखें जमीन की तरफ झुकती जाती हैं। रहीम कवि को दोहा मिला, रहीम कवि ने उसे पढ़ा और चूंकि एक कवि का जवाब भी उसके कवित्व में ही हो सकता था, उन्होंने भी इसके जवाब में दूसरा दोहा गंग को लिख भेजा। उन्होंने लिखा, देनदार को और है भेजत सौ दिन रैन, देनदार को और है भेजत सौ दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। ये जो कुछ भी धन दौलत है ये मैं नहीं देता, इसको देने वाला तो कोई और है, वह खुदा है, वह ऊपर आसमानों में रहने वाला है और वो मुझे देता है और मैं एक निमित्त बनकर के उसकी दी हुई चीजों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करता हूं। लेकिन लोगों को ये भ्रम होता है कि ये सब रहीम दे रहे हैं, ये बड़े दानी व्यक्ति हैं, ये बड़े महान व्यक्ति हैं। इस कारण से मुझे बहुत लज्जा आती है और लज्जा के कारण मेरी आंखें सदैव झुकी रहती।